देश के बहुत बड़े समाज, मुख्य समाज हिंदू समाज की एक वर्षों पुरानी ये मांग थी और इसके लिए संघर्ष बहुत हुए, बहुत चीज़ें आगे बढ़ी। अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये फैसला हो गया था और अब एक अमिकेबल फैसले के बाद राम जन्मभूमि जो न्यास है उनके आह्वान पर प्रधानमंत्री जी को वहाँ उन्होंने निमंत्रण दिया है और कल उसका शिलान्यास होगा। एक अच्छी खुशी की लहर सब जगह है। संस्थागत तरीके से हर संस्था जो इसके साथ जुड़ी है वो अपने अपने तरीके से खुशियों का इजहार कर रहे हैं। कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, कहीं इकट्ठे हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से, कोरोना के कारण से बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ नहीं बुलाया गया, सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया, लेकिन अपने अपने स्थान पर अपनी खुशियों का इजहार करें। सीएम साहब, कल आपने डेली मीटिंग की थी, ऑनलाइन जो रजिस्ट्री प्रक्रिया रोकी गई थी, अभी जितने विभागों का काम उसमें पूरा हुआ है, कुछ काम शेष है, तो उसमें लगता है कि हम दो दिन बाद फिर एक बार रिव्यू मीटिंग करके और उसको तय करेंगे किस दिन उसको चालू करना है। लेकिन इसको दो तीन चरण बनाएंगे। एक चरण में जो ग्रामीण क्षेत्र की एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए वो काम को आगे बढ़ाया जाएगा। एक चरण में अर्बन लोकल बॉडीज का बनाया जाएगा। एक चरण में जहाँ टाउन कंट्री प्लानिंग की इतनी ज़मीनें हैं उनको, हर एक विभाग अपने अपने काम में लगा है। मैं समझता हूँ 15 अगस्त तक सभी विभागों की प्रक्रिया सामान्य रूप से चालू हो जाएगी। अब ये वर्ष हमारा सुशासन संकल्प वर्ष का जैसा हमने पहले से घोषित किया हुआ है और इसमें जो हमारी एक महत्वाकांक्षी बड़ी योजना हमने पिछले वर्ष घोषित की थी, मेरा परिवार मेरी पहचान, उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा परिवार समृद्ध परिवार, इस नाते से प्रदेश भर के सभी परिवारों का डाटा हम लोग एकत्र करके उनको परिवार पहचान पत्र के नाते से कार्ड उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सरकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो अथवा प्रदेश सरकार की हो, उनको बिना किसी विघ्न के हर परिवार को पहुँचे, इसका ही उद्देश्य है। आज उसका कार्ड वितरण का लॉन्च किया गया है। अगस्त के महीने में 31 अगस्त तक लगभग 30 लाख परिवारों को ये कार्ड का वितरण हो जाएगा। अभी तक जो कार्ड शेष रह गए हैं उनका अगस्त के महीने में ही उनका डाटा पूरा किया जाएगा। 26, 27, 28, 29, 29, 28, 29 ऐसा करके 4 दिन पूरे प्रदेश में सर्वे किया जाएगा और जिनका अभी डाटा पूरा नहीं है उनका डाटा उसको पूरा करेंगे और बाकी परिवारों को सितंबर के महीने में कार्ड दे दिए जाएंगे। 3 महीने में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हर परिवार पात्र जो परिवार है वो उसको मिलना शुरू हो जाए, जिससे जो हमारे कार्यालयों की इतने व्यवधान होते हैं, बहुत जगह पर तो छोटा मोटा भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है, कई जगह पर बहुत भागदौड़ उनको जगह जगह चक्कर काटने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें निर्विघ्न परिवार को मिलना शुरू हो तो ये सारी योजनाएँ अगले 3 महीने में शुरू हो जाएंगे। सभी योजनाएं से कनेक्ट करेंगे या कुछ चुनिंदा योजनाओं को कनेक्ट किया जाएगा और क्या इसके लिए अब पता उनको जो योजना लाभार्थियों को योजनाएं लाभ अपना मिलेगा या उसके लिए कुछ फॉर्म फिल करना पड़ेगा या कुछ देखिए, क्योंकि हर योजना के लिए अलग से प्रपत्र भरे जाते रहे हैं। अब आगे से परिवार पहचान पत्र देने के बाद जो उसकी बेसिक जितनी भी जानकारी है परिवार की वो ऑटोफिल हो जाएंगी। हर बार उसको हर नए प्रकार के फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल परिवार पहचान पत्र ही देना पड़ेगा ताकि उस परिवार की सदस्य संख्या की जितनी इनकम है, वहाँ किस किस परिवार का कौन कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसकी जाति क्या है, उसकी आयु क्या है, ऐसे सब चीज़ें ऑटोमाइजेशन मोड में आ जाएंगी ताकि हर बार हर स्कीम के लिए अलग शुल्क फार्म न भरने पड़े। सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र अथवा गाँव में अटल सेवा केंद्र जो CSCs बने हुए हैं वहाँ जा करके एक बार फार्म भरना, शेष सारी योजनाओं का लाभ उसको ऑटोमेटिकली उसके बैंक में अपने आप पहुंचा। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। पूनम, इनके बाद जासपुर पंचकुला से जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। इनके बाद जसवंत बदनपुर पंचकुला से जोरदार, पावन अवसर भी था और उस अवसर पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नई अनूठी वृक्षाबंधन के नाम से योजना शुरू की, आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। पर सुमन जो मांडक्या गांव से, पंचकुला के मांडक्या गांव से अपना परिवार पहचान पत्र लेने के लिए आई है। इनके बाद गुड्डू देवी टपरिया गांव
पंचकुला से वितरित करें। मोबाइल पहचान पत्र कार्ड जोड़ता चाहिए वो हटाना आगे से ऑर्डर है आगे कपरिया गांव पंचकुला से। सर बैठाते क्यों नहीं आप परम जी जल्दी से आएंगे उनके बाद सुमन तैयार रहेंगे।